Hey guys, welcome back to this channel. LearnAt is Divyanka Singh और आज हम करने जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चैप्टर 2 जो कि आता है आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अंदर. तो ये तो आप सभी को पता होगा कि आपके सिलेबस पे दो पार्ट्स में AI को डिवाइड किया गया है. एक तो आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है जिसमें आपको कंप्यूटर की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और दूसरा AI के ऊपर है जिसमें आपको पाइथन से ही करना होगा, तो उसमें आपको कंप्यूटर की ज़रूरत है. तो आज हम उसका सेकेंड चैप्टर करने जा रहे हैं, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स. सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल LearnAt is Divyanka Sinha को कर दीजिए सब्सक्राइब, इस वीडियो को कीजिएगा ढेर सारे लाइक्स. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर. सबसे पहले हम देखेंगे सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स के अंदर कि सेल्फ मैनेजमेंट होता क्या है. It is a way of understanding yourself, your interests, abilities and how to keep a positive attitude in difficult situation. तो ये इस तरीके का एक टाइप ऑफ तरीका होता है जिसमें हम अपने आप को समझते हैं, हमें जो जिस चीज़ों की ज़रूरत है, अपने इंटरेस्ट, अपनी एबिलिटीज़ को जिसमें हम समझते हैं और एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं सारे मुश्किल सिचुएशंस की तरफ. ये होता है सेल्फ मैनेजमेंट. ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिली तो आप एकदम इतने खुश हो गए कि आपको हार्ट अटैक ही आ गया, या फिर आप बहुत दुखी हो तो इतना दुखी मत हो जाओ कि आप वहाँ जाके सुसाइड कर लो. तो सेल्फ मैनेजमेंट में हमें अपने आप को अच्छे से मैनेज करना है. सो अब देखते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं सेल्फ मैनेजमेंट के. बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, इट हेल्प्स टू डेवलप गुड हैबिट्स. इसकी वजह से हमारे अंदर अच्छी आदतें आती हैं. ऑल्सो हेल्प्स इन ओवरकमिंग बैड हैबिट्स, और इससे हमें हेल्प मिलती है, मदद मिलती है बुरी आदतों से पीछा छुड़ाने के लिए, उनसे आगे बढ़ने के लिए, उन्हें सही करने के लिए. गिव्स मोटिवेशन टू अचीव गोल्स इन लाइफ, और ये हमें मोटिवेशन देता है कि हम अपनी लाइफ में जितने भी हमने गोल सेट कर रखे हैं हम उसको अचीव कर लें. हेल्प्स इन ओवरकमिंग इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन, और जितनी भी बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों वाली जगह है, सिचुएशंस होते हैं, उससे हमें ओवरकम करने में हेल्प करता है. टू मैनेज योर सेल्फ, अब हमें ये देखना है कि हम अपने आप को कैसे मैनेज करेंगे. हाउ टू मैनेज योर सेल्फ, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स इंक्लूड्स. अब इसमें कुछ कुछ टाइप्स हैं वो जो क्या क्या इंक्लूड करते हैं ये हम देख लेते हैं. सेल्फ अवेयरनेस, अब सबसे पहली जो बात है वो है सेल्फ अवेयरनेस. तो इसमें क्या होता है कि हमें अपने बारे में जानना चाहिए, नो अबाउट योर सेल्फ, कि क्या क्या हम कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, ये सब हमारी सेल्फ अवेयरनेस में आता है. सेल्फ कंट्रोल, एबिलिटी टू कंट्रोल योर बिहेवियर. अब सेल्फ कंट्रोल एक चीज़ होती है जिसमें हमारे अंदर एबिलिटी आती है कि हम अपने आप को कंट्रोल कर सकें. हमारा जो भी बिहेवियर है, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है तो आप कंट्रोल करो कि ठीक है अभी आ रहा है गुस्सा, देखते हैं क्या कहना चाह रहा है, समझो उनकी बात, तो आप अपने आप को कंट्रोल करो. सेल्फ कॉन्फिडेंस, बी कॉन्फिडेंट यू कैन अचीव एनीथिंग. और सबसे पहली बात कि रहो भाई कॉन्फिडेंट. आपको पता है कि आप जब भी स्कूल पे एग्ज़ाम देने जाते हो तो आप बहुत ही नर्वस होते हो. अभी तो आपने 2 साल से ऑनलाइन एग्ज़ाम्स दे दिए, चीटिंग तो बहुत की होगी बच्चों ने, लेकिन जैसे ही स्कूल खुल गया अब पता चल रहा है आपको कि 9th क्लास का एग्ज़ाम जो है वो ऑफलाइन होगा. अब सबको बहुत ही ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो रही है, अब सबको बहुत डर लग रहा है, लेकिन नहीं, आप ये कर सकते हो, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट रहना है. प्रॉब्लम सॉल्विंग, अब अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन ढूंढो अपनी लाइफ में. ट्राई टू फाइंड द सोल्यूशन टू प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ. सेल्फ मोटिवेशन, कीप योर सेल्फ मोटिवेशन हाई. अब आपको अपने आप को मोटिवेट करना है. मान लो आप स्विमिंग नहीं कर पाते हो तो आप अपने आप को मोटिवेट करो कि नहीं इस साल मैं सीख जाऊँगा, इस साल मैं कर ही लूँगा. सो ये होता है सेल्फ मोटिवेशन, और आपको ये अपने अंदर सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे रखना होता है. सेल्फ मोटिवेशन इज़ द बेस्ट. ठीक है, पर्सनल हाइजीन, ये मतलब उतना ज़्यादा तो है नहीं हेल्पफुल, लेकिन फिर भी कीप योर सेल्फ क्लीन स्मार्ट एंड हेल्दी. अपने आप को साफ सुथरा, अच्छा और हेल्दी रखो. पॉजिटिव थिंकिंग, अब हर बार जब भी आप सोचो तो पॉजिटिव सोचो, ये नहीं कि नेगेटिव सोचने लगता है. टीम वर्क, सपोर्ट योर टीम मेंबर्स इन द वर्क. अब आपको टीम वर्क भी करना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप अपना कर रहे हो, अकेले में रह रहे हो, मस्त सबकी हेल्प भी करनी चाहिए, टीम वर्क करना चाहिए. टाइम मैनेजमेंट, कंप्लीट टास्क ऑन टाइम. अब टाइम मैनेजमेंट में आपको अपने टास्क जो है वो टाइम पे कंप्लीट करने होते हैं. गोल सेटिंग, मेक अ गोल, व्हाट डू यू वांट टू अचीव. अब आप गोल सेटिंग में क्या करते हो,
जैसे मान लो आपका एम्बिशन है डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, जज बनना या कुछ भी, जो भी बनना है आपका एम्बिशन, वो टाइप ऑफ आपका एक गोल है और आपको उसके लिए अचीवमेंट, उसको अचीव करने के लिए कुछ टारगेट सेट करने पड़ेंगे, तभी आपको ये जो गोल है आपको अचीव हो पाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने इस चैप्टर में। सो अब हमारा सेशन टू जो है वो है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस। तो हम अपने अंदर की आप स्ट्रेंथ को एनालाइज करो, वीकनेस जो भी आपकी कमजोरियाँ हैं उसको एनालाइज करो। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आर टू मेन थिंग्स। वंस यू लर्न अबाउट इट इन योर लाइफ देन लाइफ बिकम्स ईजी। ट्राई टू फाइंड आउट वॉट यू आर यू गुड एट एंड वॉट इज योर वीकनेस। दिस सेशन विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स। तो अब जो ये स्ट्रेंथ और वीकनेस है, ये हमारी लाइफ के सबसे दो मेन चीज़ें होती हैं और इसको समझने के लिए, इसको अचीव करने के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके लिए क्या सही है, आप किस में अच्छे हो और कौन सी चीज़ में आप अच्छे नहीं हो, क्या आपकी वीकनेस है। तो इस सेशन में आपको ये सब जानने में हेल्प मिलेगी। नोइंग योर सेल्फ, सबसे पहली बात आप अपने आप को जानो। इट मीन्स नोइंग अबाउट योर सेल्फ ट्रूली, और वो भी अच्छे से इंटरनली आप अपने आप को जानो। देर आर मैनी थिंग्स हिडन बाई योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ अदर्स एंड ओनली यू कैन नो अबाउट योर सेल्फ। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो आपसे दूसरे इंसान को पता नहीं है, लेकिन आपको तो पता है कि आपने क्या किया है क्या नहीं किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बोल रहे हो कि आपको जो है आपने कोई पढ़ाई नहीं की और फिर भी आप एकदम टॉप करके क्लास पे, बट दिस इज़ नॉट द ट्रू थिंग। आपने पढ़ाई की है तभी तो आप टॉप किए क्लास पे, लेकिन दूसरों को तो लगेगा बताओ यार इसने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, ये टॉप हो गया और हमने तो इतनी पढ़ाई की, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन आपको तो पता है ना कि आपने पढ़ाई की है, मेहनत की है। दिस विल हेल्प यू टू लिव अ हैप्पी लाइफ। और ये सब चीज़ें जब आप जान जाओगे तो ये आपको मदद करेगा एक खुशहाल ज़िंदगी बिताने का। ट्राई टू फाइंड आउट हु यू आर, योर लाइफ, डिसलाइक्स एंड मैनी अदर थिंग्स। और ये जानने की ज़रूर कोशिश करो कि आप हो कौन असलियत में, क्या है आपके अंदर, क्या खूबियाँ हैं क्या खूबियाँ नहीं हैं, क्या आपको पसंद है क्या नहीं पसंद है, और ऐसी बहुत सी चीज़ें। अब देखते हैं स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस में क्या करते हैं। स्ट्रेंथ होता क्या है? वो ऐसी जगह होती है जहाँ पे आप अच्छे होते हो, दैट फील्ड्स इन विच यू आर गुड। और वीकनेस क्या होता है? ऐसी जगह, ऐसा चीज़ है जिसमें आप अच्छे नहीं हो, जिसमें आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, द एरियाज इन विच यू आर नॉट गुड एंड नीड्स इम्प्रूवमेंट। अब ये सारी चीज़ें आप जानोगे कैसे, हाउ टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ, चेक वॉट यू कैन डू वेरी वेल। सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि आप सबसे अच्छा क्या कर सकते हो। आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो तो आप स्पोर्ट्स में ही अच्छे रहोगे, आप पढ़ाई में अच्छे हो तो आप पढ़ाई में अच्छे हो, ये आपकी स्ट्रेंथ है। आप डांस में अच्छे हो सकते हो, आप म्यूजिक्स में अच्छे हो सकते हो, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें आप अच्छे हो सकते हो। थिंक ऑफ थिंग्स इन विच योर परफॉर्मेंस इज ऑलवेज गुड, और ऐसी चीज़ों के बारे में सोचो जिसमें आपकी जो परफॉर्मेंस है सबसे ज़्यादा बार हमेशा सही अच्छी रही है। Try to find out in what works you are appreciated. और ये जानने की ज़रूर कोशिश करो कि कौन सा ऐसा काम है जिसमें आपको appreciation मिलता है, ठीक है। अब देखते हैं हम अपनी weakness को कैसे identify करेंगे। Find out the areas in which you are not good and having difficulties doing that task. अब ऐसी जगह जहाँ पे आप अच्छे नहीं हो, उन सब चीज़ों को find out करो आप। Analyze the feedback you receive from others, और जो भी आपको फीडबैक मिल गया है दूसरों से आप उसको भी सुनो। Accept your weakness and try to improve, और अपनी वीकनेस को आप एक्सेप्ट करो और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो। Difference between interest and abilities. अब interest और abilities के बीच में क्या difference है? Most of the times it is mixed that interest and ability both are same. Interest is something different. ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं इंटरेस्ट हमारी एबिलिटीज़ को ही हम इंटरेस्ट कहते हैं, लेकिन ये सेम नहीं है। क्या है इंटरेस्ट और क्या है एबिलिटी हम ये जानते हैं। इंटरेस्ट, थिंक विच यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम्स एंड विच मेक्स यू फील हैप्पी। अब इंटरेस्ट ऐसी चीज़ है जिसमें आपको जो फ्री टाइम में आपको करने में मज़ा आए और आपको बड़ी खुशी हो करके। दीज आर द थिंग्स विच यू डू इवन नो वन आस्क यू टू डू इट। और ये ऐसे काम होते हैं जो आप करते हो जब कोई और आपको कहे ना, फिर भी आप ये काम करते हो। द थिंग्स विच यू वॉन्ट टू लर्न इन फ्यूचर, और ये वैसी चीज़ें होती है जो आप फ्यूचर में सीखना चाहते हो। और अब देखते हैं एबिलिटी क्या होती है। इट इज़ अ नेचुरल कैपेसिटी और एक्वायर्ड कैपेसिटी दैट फोर्सेस अ पर्सन टू डू अ पर्टिकुलर थिंग। ये एक मतलब नेचुरल टाइप की कैपेसिटी होती है कि जो एक इंसान को कहती है कि तुम्हें ये काम करना है।
we see that sometimes interest and ability match and sometimes not. कभी कभी हम ये देखते हैं कि दोनों चीजें match होती हैं, but ऐसा कभी हर बार नहीं भी होता है. For example, you like to play football, but you don't have the skill or the required strength to play. अब मान लो आपको फुटबॉल खेलना पसंद है, लेकिन आपके पास वैसी स्किल्स नहीं है, वैसी स्ट्रेंथ नहीं है खेलने के लिए, तो फिर वो एबिलिटी नहीं हुई ना आपकी. इट इज टाइप ऑफ इंटरेस्ट. आगे देखते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंट. अब कैसे रहा जाए सेल्फ कॉन्फिडेंट, या फिर ये चीज़ होती क्या है. सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अ सेंस ऑफ ट्रस्टिंग इन अवर सेल्फ. और सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होती है चीज़, वो एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम अपने आप को ट्रस्ट करते हैं. ट्रस्टिंग इन अवर ओन एबिलिटी एंड स्ट्रेंथ, हम अपनी खुद की एबिलिटीज पे और स्ट्रेंथ पे ट्रस्ट करते हैं. इफ अ पर्सन लैक्स सेल्फ कॉन्फिडेंस, ही कैन नॉट अचीव हिज गोल्स. अगर किसी इंसान में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो अपनी चीज़ें अचीव नहीं कर सकता, अपनी गोल्स अचीव नहीं कर सकता. सेल्फ कॉन्फिडेंस इज वेरी नेसेसरी टू अचीव योर टारगेट. और सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए. इट मोटिवेट्स यू टू डू थिंग्स इन अ गुड मैनर. और ये आपको मोटिवेट करता है कि आप चीज़ों को अच्छे से, सही तरीके से, सही ढंग में करें. इट इज़ अ क्वालिटी ऑफ बिलीविंग इन योर अवर स्ट्रेंथ एंड हैव फीलिंग्स दैट वी कैन डू एनीथिंग. और ये एक ऐसी क्वालिटी होती है जिसमें हम अपने आप में बिलीव करते हैं, अपने स्ट्रेंथ पर बिलीव करते हैं, और हमारे अंदर ऐसी फीलिंग आती है कि हम ही कर सकते हैं. क्वालिटीज ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंट पीपल. अब सेल्फ कॉन्फिडेंट पीपल जो होते हैं, जो लोग होते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंट, उनकी क्या क्या क्वालिटीज होते हैं. सेल्फ बिलीव, दे बिलीव दैट दे कैन डू एनीथिंग. उनके अंदर ये बिलीव होता है कि वो ये सब कुछ भी कर सकते हैं. हार्ड वर्क, दे आर हार्ड वर्किंग पीपल. और वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पीपल होते हैं. सिर्फ बिलीव करने से तो नहीं होगा ना काम. पॉजिटिव एटीट्यूड, दे हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स अ सिचुएशन. अब उनके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है किसी भी टाइप के सिचुएशन के अंदर. कमिटमेंट, व्हाट टू अचीव इन लाइफ इज क्लियर इन देम. और ये जो कमिटमेंट करते हैं, वो हर चीज़ में कमिट करते हैं कि जो हमें करना है वो क्लियर है, हम ये करके ही रहेंगे. अब पहली बात कि हम कैसे सेल्फ कॉन्फिडेंट को अचीव करें, कैसे बिल्ड करें. सो फर्स्ट स्टेप हम यूज़ कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, अप्रिशिएट योर अचीवमेंट्स. व्हाट यू गेट इन योर लाइफ, एंजॉय इट एंड एक्सेप्ट द फेलियर. डोंट बी डीमोटिवेटेड बाय योर फेलियर. जो भी आपको मिला है उसमें आप खुश रहो, जो नहीं मिला है उसमें अपने आप को डीमोटिवेट ना करो. सेकेंड स्टेप, मेक श्योर यू मेक अ गोल एंड स्टार्ट योर प्रिपेरेशन फॉर दैट. टेक नेसेसरी स्टेप्स टू अचीव द गोल. अब ये आप ज़रूर से मेक श्योर करो कि जो भी चीज़ आपने गोल के रूप में चूज़ की है, उसकी प्रिपेरेशन करना आप शुरू कर दो, और जो भी उसके नेसेसरी स्टेप्स हैं उसको अचीव करने के लिए, उसको भी शुरू कर दो. स्टेप थ्री, ट्राई टू लुक एट द गुड साइड. अब स्टेप थ्री में आपको क्या करना है, आपको उसके अच्छे पक्ष की तरफ देखना है. ऑल थिंग्स हैव गुड एंड बैड साइड, ट्राई टू सी द गुड पार्ट इन इट एंड बी हैप्पी. अब हर एक चीज़ की एक अच्छाई भी होती है, एक बुराई भी होती है. आप उसके अच्छाई देखने की कोशिश करो और उसमें खुश रहो. सम फैक्टर्स विच डिक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस. अब कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को डिक्रीज करते हैं. तो देखते हैं कौन कौन सा. नेगेटिव थिंकिंग, सबसे पहली चीज़ जो आप नेगेटिवली थिंक करते हो कि ये मुझसे नहीं होगा. वेन यू ओनली थिंक अबाउट द मिस्टेक्स मेड इन पास एंड डोंट लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स. और ये ऐसा तब भी होता है जब आपने बस यही सोचते रहते हैं कि ये मिस्टेक मैंने की है पास्ट में, और कभी भी उससे सीखने की कोशिश नहीं करते हो. समटाइम्स वी थिंक दैट सक्सेस कम्स इन द फर्स्ट अटेम्प्ट एंड नेवर ट्राई अगेन. और हम कभी कभी सोचते हैं कि सक्सेस जो है वो अपने पहले ही अटेम्प्ट में आती है, बट हमेशा ऐसा नहीं होता है, हम दोबारा फिर ट्राई ही नहीं करते. बी इन अ नेगेटिव एनवायरमेंट वे पीपल डी मोटिवेट्स यू एंड मेक यू फील दैट यू कैन नॉट डू इट. और ऐसे एरिया पे रहना जहाँ पे सब आपको नेगेटिवली डीमोटिवेट करते रहे कि आपसे ये होगा ही नहीं, मत करो, कुछ और ले लो, ये कर लो, वो कर लो, तो ऐसी जगहों पे भी रहने से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो डिक्रीज हो जाता है. अब आप एक बार सुनोगे तो ठीक है, मना कर दिया, दूसरी बार भी आप कहोगे नहीं वो गलत है, तो रोज़ रोज़ तो ऐसा नहीं कहोगे ना, कभी तो आप उसकी बात सुनोगे. इसीलिए ये नहीं करना है आपको. अब हम इसके आगे का ये जो पॉजिटिव थिंकिंग एंड इट्स इम्पॉर्टेंस है, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो गाइस, कैसा लगा आपको आज का वीडियो का पार्ट वन सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स का. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको ऐसे ही AI के और भी वीडियोस चाहिए, तो आप मेरे चैनल लर्न एट ईज दिव्यांका सिन्हा को कर दीजिए सब्सक्राइब.
तो मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।